उसमें क्या है कि जो कल हम लोग एक मीटिंग कार्यकारिणी समिति का मीटिंग हुआ, उसमें हम लोग 13 जन थे। उसमें टोटल मैंने ऑफिस बेयर्स प्लस हमारे कंपनी मेंबर भी थे, और उसमें गुनाथ राव जी का स्पेशली एमरजेंसी मीटिंग था गुनाथ जी का बारे में काफ़ी चर्चा हुआ, क्या क्या गलत काम कर रहे हैं समाज। मैंने हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का ही बदला नहीं करते, ये चीज़ काफ़ी दिनों से हम लोग बोल रहे थे मगर वो अपना हिसाब से चल रहे थे, हम लोग बात सुन नहीं रहे थे। उसके वजह से जो है हम लोग सबों ने डिस्कशन करने के बाद में उनको उनको चिट्ठी इशू किए, हम लोग शोकॉज पर दिए थे इसका आगे मीटिंग का और जो शोकॉज दिए थे उसके बाद में जो है कल तक उनको समय दिए थे हम लोग, वो समय भी पार हो गया, उसके बाद भी नहीं मान रहे थे हम लोग बात। हम लोग कल एमरजेंसी मीटिंग किए शाम को 6 बजे से, जो कि हम लोग 7:15 बजे तक चला। उस मीटिंग में हम लोग सभी का जितने भी मैंने प्रेजेंट थे उन सबों ने एक मत से बोले कि इनको देखिए सुनने में बात इनको हम लोग का जो बायलॉज के हिसाब से बायलॉज में ऑलरेडी है कि अगर कोई भी मेंबर हम लोग कमेटी में अगर मैंने सोसाइटी के खिलाफ काम करता है उसको निकाला, तो खाली निकाला गया बोला गया उसमें, मगर क्या रीज़न था उसके पीछे में वो थोड़ा डिटेल में बताना मांगते हैं हम लोग, ताकि जो है आप लोग को सभी समाज में जितने भी हैं हम लोग के मेंबर्स हैं यानी तो अदर मेंबर्स भी हैं जो तेलुगु समाज के हैं उन लोग को मालूम हो क्या हुआ था, रियल पिक्चर क्या है मालूम हो, इसीलिए हम लोग आप लोग को बुलाए हैं। पहला था कि हम लोग का कमेटी में कुछ बात हुआ था, पुराना कमेटी ने जो किया है उसको लेकर के कुछ बातचीत चला, तो उसको मानने बोल रहे थे कि नहीं मानेंगे, जो पुराना कमेटी करके चला गया उसका बात को नहीं मानेंगे बोल रहे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया, नहीं ऐसा नहीं करने का, गवर्नमेंट का जो परमिशन आ गया तो हम लोग को रोकने का नहीं, उन लोग को हम लोग आने का पहले का चीज़ है। मैंने हम लोग 31 जुलाई को आए और जुलाई का इलेक्शन हुआ और 1 अगस्त से हम लोग जो है यहाँ पर अपना कार्यभार संभाले हम लोग, मगर वो जो है बोलते नहीं उसका उसको करना ही पड़ेगा, तो हम लोग को थोड़ा बहुत ज़्यादा तूतूमय में हुआ। उसके बाद में उसको ले करके SSP साहब को कंप्लेन किए हैं, फिर वहाँ से थाना में आ गया रिपोर्ट, थाना में आने के बाद थाना कदमा थाना में जो है उन लोग हम लोग को बुलाए, हम लोग गए, ये दुर्गा पूजा का पहले का बात है वाला गए, तो हम लोग उसके बाद बोले अरे भाई काहे ये सब हो रहा है, अभी तो आप लोग जीत के आए हैं अच्छा से चलाइए, तो हम बोले नहीं नहीं ठीक है, तो आप जो भी है अगर आया है कंप्लेन का तो इंक्वायरी करा लीजिए, तो बोले तो ठीक है, हम लोग बोले दुर्गा पूजा का बात करेंगे, दुर्गा पूजा के बाद में भी नहीं आया, दीपावली के बाद में अभी हाल में 3-4 दिन पहले आए थे थाना से, इंक्वायरी के चले गए हम लोग को जो बोलने का था हम लोग बोल दिए, वो भी थे चले गए। उसके बाद में मेन जो घटना हुआ वो फर्स्ट जो फॉल्स एलिगेशन लगाया हम लोग कुछ नहीं, सब लगते हैं ऐसा कि कुछ हम लोग उनको हानि कर सकते हैं ऐसा तो नहीं है, तो फॉल्स एलिगेशन लगा के जो मैनेजिंग कंपनी के ऊपर में वो गलत सलत बयान दिए उन लोग को, तो हम लोग यही बोले कि भाई मीटिंग तभी होगा जब आप अपना जो चिट्ठी जो हम लोग ऊपर चार्जेस लगाया गलत चार्जेस लगाया उसको वापस कर लीजिए, आप चार्ज लगाया कि हम लोग जो है मैंने जान माल का नुकसान करेगा उसका, तो ऐसा लगते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं है हम लोग कोई, हम लोगों के अपना इज्जत नहीं है क्या ये सब करने के लिए, तो ये जो लगाए फॉल्स एलिगेशन था उसको उसीलिए हम लोग बोले कि वापस लो बाबू, उसके बाद में हम लोग एज यूजल करेंगे, तो हमने जो चिट्ठी दिया था बोले कि जब तक आप वापस नहीं लोगे आप मीटिंग कॉल मत करिए, तो मीटिंग थोड़ा रुका हुआ था। उसके बाद में कुछ ऐसा कारण था कि यहाँ पर जो है
कुछ काम डिसीजंस लेने का था, स्कूल चला रहे हैं हम लोग या और कुछ भी काम हो रहा था उसमें, तो काफ़ी कुछ ना कुछ काम रहता उसमें। ये लोग फिर लिख के हमको दिए कि नहीं नहीं आप कम से कम मीटिंग करिए, आप मीटिंग करिए। उनको तो हम लोग मना किए हुए मीटिंग के लिए, आप करिए मीटिंग। तो जितने भी मेंबर है सब हमको लिख के दिए प्रेसिडेंट को, तो हमने एक तो मीटिंग कॉल किया, कॉल करके अपना हम लोग चालू कर दिए अपना। मैंने उनका उनको भी बुलाए थे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं बुलाया हूँ मीटिंग में। हम जब कॉल किए उनको बुलाए तो वो फिर हमको तुरंत बोलते हैं कि आप कैसे मीटिंग कॉल कर सकते हैं। हम बोले भाई मीटिंग तो होना चाहिए ना, ठीक है मीटिंग कैसे चलेगा, आप अपना वापस नहीं ले रहे हैं, आप वहाँ पर एडामेंट हो गए हैं नहीं लेंगे बोल के। और हमने मीटिंग कॉल किया, तो उस दिन क्या हुआ कि मीटिंग कॉल किया तो संडे था, उस दिन संडे 11 बजे हम लोग मीटिंग कॉल किए थे। मीटिंग कॉल करने पर उन्होंने जो है तो वो आए वहाँ वहाँ तक, वो कॉरिडोर के पास आके वो बोले कैसे मीटिंग करेंगे आप। उसके साथ सी एस शंकर राव, राम मंदिर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो हैं, वो भी आया साथ में। वो भी बहुत देरी हल्ला गुल्ला हुआ, दोनों मिलके हम लोग को मैंने मीटिंग को नहीं होना देना मांग रहा था दोनों मिलके। हम बोले कि उसके बाद में दरवाजा के पास आके खड़े हो गए गुरुनाथ राव, बोले कि नहीं हम मीटिंग होने नहीं देगा, हम यहाँ का मालिक है। हम बोले भाई मीटिंग ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं, हमारा जो जितना कमेटी में आ चुका है मीटिंग होगा। उसके बाद जब हम लोग मीटिंग ये रूम में अंदर आ गए तो वो चले गए, जाके वो थाना में कहाँ गए पता नहीं, सब उधर कंप्लेंट फिर से किए। तो हर चीज़ के लिए थाना जाना है तो कोई सॉल्व नहीं, हम लोग जब कमेटी है तो कमेटी में बैठ कर रिजॉल्व करिए ना। फिर उसके बाद एक चिट्ठी लेके बोलते हैं हम आपसे 1-to-1 बात करना। हम बोले क्यों 1-to-1 बात करेंगे भाई, हमारा फुल कमेटी है, फुल कमेटी के सामने बात करिए ना जो बात करने का। हम 1-to-1 बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि 1-to-1 में उनका साथ में दूसरा बात होता, 1-to-1 में वो 5 बात हम बात करेंगे तो बोलेंगे 10 बात हुआ और हमारा बात ऐसा था ये था वो था, अलग से मैसेज चला जाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए ना, 1-to-1 का मतलब है कि वैसा एकदम, अगर वैसा आदमी रहने दें तो 5 बोला 5 हम भी बोलेंगे, मगर एक कौन सा है ओल्ड कमेटी बिफोर इलेक्शन, हाँ वो तो हम बता दिए। उसके बाद में वो जो जो पियोन का जो दो पियोन का हुआ, वो लोग का जो बहाली हुआ वो, और एक हेडमिसेस मिडिल स्कूल की हिंदी मीडियम, उन लोग का प्रमोशन हुआ था उनको, वो भी रोकना मांग रहे थे। हम बोले कि नहीं होगा भाई नहीं रुकेगा, उन लोग का ऑलरेडी बहाली हो गया तो उन लोग को होने दीजिए, अगर आपको अपना तरफ से कुछ करना तो करिए, मगर हम लोग कमेटी वाला उस चीज़ में साथ नहीं देंगे। हम लोग आप जो रोकेंगे रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कमेटी हम लोग कोई प्रेफर नहीं कर रहा उसको उस लाइन में जाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को करने दीजिए जो कर दिया करने दीजिए। तो वो एक था, उसके बाद में और हाँ उसके बाद में अभी हाल में जो है हमको लगता है मंडे को HDFC बैंक गए वो, और हम लोग का जो है अकाउंट को सीज करने के लिए चिट्ठी दी है। क्या अकाउंट को सीज करने के लिए चिट्ठी दी है वो, तो फिर हम लोग को मालूम पड़ा मैंने इस तरीका से डिस्टर्ब करना वाला उसको, मैंने अगर अकाउंट सीज करेंगे तो क्या होगा समझ लीजिए, यहाँ किसी का पेमेंट होगा एम्प्लॉय लोग का सबका पेमेंट तो नहीं होगा, उसके फंस जाएंगे सब। तो वो सोचे कि ऐसे ही हम इन लोगों को थोड़ा अपना जो है मैंने अपना ज़ोर ज़बरदस्ती करें ताकि जो है लोग घूम फिर के मेरे पास आए, तो वैसा तो नहीं होता ना, वैसा हर चीज़ जगह में हर चीज़ अपना मर्जी से करे जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है फिर कल डिसीजन लिए, कल परसों चिट्ठी दिए वो हम लोग को मालूम पड़ा। उसके बाद हम लोग कल देखें कि दिनों दिन बढ़ते जा रहा है इनका कुछ ना कुछ हम लोग को मैंने परेशान करने का। उसके बाद में और एक चीज़ किए थे बीच में इसके आगे, तो एक तो हम लोग अलर्ट मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग जो है हम लोग का संविधान में है, एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मीटिंग करना कर सकते हैं बुला मैंने हम लोग को कराना चाहिए, अगर मेंबर लोग जो हम लोग का कोई मांगता है मेंबर लोग अपना रिक्वायरमेंट देता है तो हम लोग को मानना पड़ता है, करना चाहिए उसको। मगर
उसको करने का तरीका है। तरीका यह है कि वो लोग देने के बाद में वो कमेटी के सामने में पेश होगा। उसके लिए हमको बोले थे कि आया था मैंने, वो हमको बोले हैं, चिट्ठी भी दिए कि हमको जो है मेंबर लोग का चिट्ठी आया है, हम लोग को मीटिंग करना है। तो हम बोले कागज़ दो, जितने भी आदमी मेंबर लोग, क्योंकि उसको चेक करना पड़ेगा ना, फॉल्स है कि क्या है क्या नहीं है, हम लोग क्या मालूम है। कोई आदमी, कोई भी 50 आदमी हो सकता है, नॉन मेंबर हो, मेंबर हो, जो भी है, तो उसको चेक करने के लिए तरीका है ना, चेक करना चाहिए उसको। वो नहीं दिए, बोले कि नहीं मेरे पास है। हम बोले ऐसा नहीं होगा, उसमें क्या है कि कमेटी में पेश होता है, कमेटी में जैसे कल मीटिंग हुआ था वैसे एक तो मीटिंग होगा, उसका मीटिंग होगी, हम लोग डिसीजन लेंगे, हाँ ये सब ठीक है तो हम लोग कॉल करेंगे और डेट फिक्स करेंगे। मगर इन्होंने जो है अपने से जितने भी मेंबर हैं वो सब पेपर में प्रिंट किए हैं, ब्लॉक्स बनाए हैं और सबको बांट दिए, सबको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई आप साइन कर दो। क्या चीज़ के लिए, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को बोलते हैं अरे मेंबरशिप नहीं करेगा, बोलते हैं लो नया मेंबरशिप ड्राइव नहीं ले रहा है, ये नहीं। मैंने हर एक आदमी को अलग एजेंडा बताएं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल बॉडी मीटिंग जो होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है कि हम लोग AGM होता है हर साल, तो AGM मान लीजिए कि एक साल ड्यूरेशन मैंने टाइम है, 6 महीना भी बाकी है, तो AGM जो है बहुत लंबा समय और बीच में हम लोग नहीं रोक सकते हैं AGM के लिए, तो उस AGM को मैंने इसका जो कोई सब्जेक्ट ऐसा है स्पेसिफिक रीज़न आया है, तो वो रीज़न के लिए जो है हम लोग को जो है EOGM कर सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल बॉडी मीटिंग कर सकते हैं। तो वैसा तो कोई रीज़न ही नहीं है, और वो जो अपना जो लिखे हैं मैंने रीज़न दिए हैं उसमें दिए हैं एमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है, एमरजेंसी सिचुएशन ऐसा तो कुछ है नहीं, उसमें स्पेसिफिक लिखना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए, और सिंगल पॉइंट में बात होगा उसमें जो है, 10 तो पॉइंट नहीं आएगा, जो EOGM होगा उसमें सिंगल पॉइंट में बात होगा, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट में बात, वो तो क्या क्या चीज़ है वो तो हम लोग को भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम क्या सब्जेक्ट क्या उनका। दूसरा बात है कि ये तो एक तो कारण है कि उनको नहीं बुलाना चाहिए था, वो अपने से सर्कुलेट कर दिए यहाँ पर, आपका प्रभात खबर में भी वो दिए कि हमारा 20 तारीख को है, वो भी डाले हैं, और उसके बाद में सबका घर घर में जो भी है 1888 के बाद में भेज दिए चिट्ठी। कमेटी का मेंबर लोग को मालूम है, आप लोग बताइए मालूम है आप लोग को, देखिए किसी को नहीं मालूम है, अपने से कर दिए, अपने से चिट्ठी भेज दिए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, कमेटी का जब कोई चीज़ काम हो रहा है तो कमेटी को पूरा इसमें लेना चाहिए, वो अपने से बोले कि नहीं हम करा के दिखाएंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि भाई आप लेके आइए, शांतिपूर्वक लेके आइए, हम लोग जरूर करेंगे, हम मेंबर्स को क्यों ये करेंगे, मैंने डिस्टर्ब करेंगे, नहीं होना चाहिए बोल के हम, और ये फैला रहे हैं कि नहीं होना निजाम, अरे आप तरीका सही है ना, काहे नहीं होगा, होगा जरूर, कराएंगे हम लोग, मगर तरीका गलत है। और दूसरा बात है कि हम लोग संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें जो जनरल सेक्रेटरी का रोल है कि उसमें जो है कमेटी मीटिंग का रोल उनको पावर है, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सॉरी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जो होता है दैट इज़ इलेक्शन, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग इलेक्शन का होता है, और ये वाला जो है कमेटी मीटिंग रेगुलर जो मीटिंग होता है वो करा सकते हैं, उसके अलावा उनको कोई पावर नहीं है। तो अपना पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं EOGM के लिए, वो गलत है, एक तो तरीका गलत है पहला, दूसरा है कि उनका इसमें क्षेत्र में नहीं आता, ये दोनों चीज़ जब किए हैं तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग देखें कि ये बात सुन नहीं रहे हैं हम लोग का किसी का भी, हम लोग एकदम मैंने दर किनारा करके वो बोल रहे कि नहीं हम करा के रहेंगे, मेरे पास इतना आदमी है। तो आदमी तो ठीक है अलग बात है, मगर हम जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो है हम ये नहीं बोल रहे कि वो लोग नहीं किए होंगे साइन, किए होंगे, हो सकता है किए होंगे, मगर हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि गलत तरीका से कर रहे हैं, क्योंकि AGM जो है हमको करना ही है। हमने बोला था हम जब अपना संविधान बनाए थे, अपना सॉरी हम लोग मैनिफेस्टो जो बनाए थे
उसमें जो है हम लोग डाले थे कि संविधान मैनिफेस्टो में जो डाले हैं, हम लोग बोले कि 3-4 महीना में हम लोग जो AGM कराएंगे, मगर पिछला जो कमेटी जो हम लोग को मजीर इवेंट टीम जो कमेटी थी, उस कमेटी ने कोई 5 साल में कोई भी AGM नहीं किया, कोई भी अकाउंट्स पास नहीं कराया। वो सब जो है ना ऑडिटर जो है हम लोग का जो ऑडिट कर रहे हैं, अभी ऑडिट क्लोज नहीं हुआ। हम ऑडिटर से कितना बार पूछे हैं कि भाई कब तक दीजिएगा आप, जो भी आप बना मैंने चेक करने दीजिए, देने से हम AGM कॉल करेंगे, क्योंकि हम लोग अपना मैनिफेस्टो में बोले हुए हैं AGM करेंगे बोल के, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जैसे देंगे तो हम AGM करा देंगे, तो उस समय तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग का कोई दरकार नहीं, मतलब नहीं है। तो ये सब परिस्थिति में जो है हम लोग का जो आ रहे हैं कि वो गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, अरे अप्रूव करिए ना भाई, गड़बड़ कर दिया तो बाजार। हम बोले कमेटी में रह के, कमेटी का जो सीनियर पोजीशन में रह के और कमेटी के बारे में आप बदनाम कर रहे हैं, एक गलत बात है। मान लीजिए कि घर का आदमी जो है घर के ही बारे में बाजार में बोल रहा है, ये तो गलत बात है, साफ साफ गलत बात है। उसीलिए हम लोग बोले कि देखिए बहुत कोशिश किए, 2 महीना से 2.5 महीना से हम लोग बोले कि भाई ठीक, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी लिए हम लोग ये जो डिसीजन लिए लास्ट में, हम लोग जो है और कोई चारा नहीं था हम लोग के पास में, ये डिसीजन लेना पड़ा हम लोग को। और कुछ ये साहब थे, क्या नाम हुआ, गौतम जी के सामने में जो है, गौतम जी के सामने में बहुत सारा अपना जो है दिए। कुछ आदमी लोग थे उसमें, वो उसमें बोले कि हम लोग कोई आदमी लोग बोला कि हम लोग ताला मार के चले जाएंगे एडियल सोसाइटी को पूरा। तो ये तो गलत तरीका है ना, इतना 2000 बच्चा लोग पढ़ता स्कूल में, ये सब चीज़, और वो भी रिकॉर्डेड है, वो सब इनका जो वीडियो में आ गया, सब न्यूज़ चैनल में आ गया। तो ये तो गलत बात है, जब कोई चीज़ तो हम लोग भी घबरा गए। गुरुनाथ जी के साथ कमेटी मेंबर कितने आदमी हैं और समाज के आदमी ज़्यादा कहाँ है, कमेटी मेंबर लोग हैं समाज के? वो कमेटी मेंबर लोग उनके साथ में 3 जने लगता, 3 जने ना, हाँ। जो बाहर में चर्चा कर रहे हैं गुरुनाथ जी, इस पर एक पॉइंट हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग का मैनिफेस्टो में था कि हम लोग 3 से 4 महीने के अंदर में एक AGM बुलाएंगे, और वो बात बार बार उठ भी रहा है। अरे सही है, हम लोग उसके लिए इसीलिए अभी हम लोग इसको नहीं करा रहे, भाग नहीं रहे हम लोग, इसलिए नहीं करा रहे कि ऑडिट हम लोग करवा रहे हैं, ऑडिट का जैसे ही रिपोर्ट आ जाए, साथ ही साथ हम लोग हॉल का भी सारा ड्राइंग सब फाइनलाइज हो रहा है, ड्राइंग बन के आ रहा है, साथ ही साथ टाटा स्टील से बातचीत हो रहा है, पार्टी फाइनलाइज हो रहा है, जैसे ही पार्टी फाइनलाइज हो जाएगा और उसका एक बजट है, बजट पूरा बन जाएगा तो हम लोग AGM बुलाएंगे और उसका भी सैंक्शन लेंगे, साथ ही साथ ऑडिट का भी रिपोर्ट सारा देंगे। अभी हम लोग AGM करा देते हैं, फिर 1 महीना 1.5 महीना फिर कराना पड़ेगा, बार बार सोसाइटी को 2-2 बार हम लोग नहीं करा सकते, इसलिए अभी हम लोग इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, 2-3 महीने में हम लोग जरूर AGM कराएंगे। और उसमें जो है हम लोग का संविधान के मुताबिक नहीं है ये वाला, इसीलिए ये वाला, इसके लिए जो है हम लोग ऑलरेडी जो है प्रशासन को चिट्ठी लिखे हैं, DC को चिट्ठी दिए हैं, SDA साहब को चिट्ठी दिए हुए हैं, और कदमा थाना में भी चिट्ठी दिए हुए हैं हम लोग, जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर के। जितने भी हमारे जो लाइफ मेंबर हैं उन लोग को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी जो है हम लोग जैसे ऑडिट हो कि आ जाएगा सब, उसके बाद हम लोग AGM करेंगे, एकदम जरूर करेंगे हम लोग उसके, उनका जो भी सोच है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग क्या ही के लिए भागेंगे, हम 3 महीना में क्या कर लिए, अभी तो हम लोग आके 3 महीना हुआ और 3 महीना में 30 घोटाला हम लोग का नाम में डाल दिया कर हम लोग का गुरुनाथ जी, ऐसा थोड़ी होता है। वो बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ जो उछाल रहे तो हम लोग के लिए क्यों उछाल रहे हैं, हम लोग का नाम में क्यों आ रहा है, हम लोग है ही नहीं, मजी रवि समझे, मजी रवि से गला में गला डाल के घूम रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, मजी रवि से पूछना चाहिए जो पिछली सोसाइटी ने, यस उसने किया, पहली पिछली सोसाइटी, हम लोग कोई मतलब नहीं उससे, CEO का अप्रूवल हो गया, गजट में उसका नाम आ गया, वो नाम तो सोसाइटी में नहीं काट सकती, नहीं हम लोग से पहले हो गया, 31 जुलाई के पहले सब कुछ हो गया, 31 जुलाई को हम लोग का इलेक्शन हुआ, तो हम लोग पहले के चीज़ को क्यों छेड़छाड़ करेंगे, अगर छेड़छाड़ करना है तो आप छेड़छाड़ करिए, हम नहीं चाहते हैं कि आप अपना लेवल में जो करना करिए, मगर इधर में हम लोग काम करने के लिए आए हैं,
देखिए हम लोग साफ साफ बोले कि 2-3 महीना में हम कुछ करेंगे, 2-3 महीना में क्यों नहीं कर पाए हम कुछ भी? इनका जो 1 महीना के बाद से डिस्टर्बेंस चालू हो गया हम लोग का, हम लोग अगस्त में आए और 12 तारीख से चालू हो गया ये सब जो झमेला। तो और हम लोग काम का ध्यान देंगे कि इनका जो चिट्ठीबाजी पुलिस का वहाँ पर, डीसी का वहाँ पर, एसडीओ का वहाँ पर चिट्ठी होती है, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग काम क्या करेंगे? वो शो करना मांगते हैं कि भाई ये लोग 3 महीना में बोला था कुछ करेगा और कुछ नहीं कर पाया, दे आर इनएफिशियंट, ये दर्शाना मांगते हैं, ये काम करने नहीं दे रहे हैं। और यही सब जो है सब तरफ में चिट्ठीबाजी करके हम लोग जो है परेशान है। हम लोग और क्या काम करेंगे बोलिए, ये है हम लोग का प्रॉब्लम। नमस्कार फ्रेंड्स, आपने ADLS सोसाइटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। वाईश्वर राव जो अभी अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, 3 महीने से वो चेयर पे सुशोभित हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि 3 महीनों में मैंने अभी कोई काम हमको करने नहीं दिया जा रहा है ड्यू टू जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी का ये मानना है कि मेरे को संवैधानिक अधिकार बहुत मिला हुआ है और जब तक आप मेरे को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे मैं कोई काम करने नहीं दूंगा। अब इन दोनों के बीच में खींची हुई तलवार और लेकिन सोसाइटी और इसमें पढ़ रहे हजारों हजार बच्चे, उनका भविष्य बहुत अधर में लटका हुआ है। कोई संविधान के अकॉर्डिंग क्या कौन राइट है कौन रॉन्ग है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए ये सोसाइटी एकदम बिल्कुल डगमगाती हुई नैया में सवारी है। ये सोसाइटी की ये नाव कब डूबे, अब डूबे तब डूबे वाली स्थिति है, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि 100 साल पुरानी ये सोसाइटी, जमशेदपुर को एक शक्ल देने वाली सोसाइटी, जमशेदपुर को एक बेस देने वाली सोसाइटी, जमशेदपुर को रचने और गढ़ने वाली सोसाइटी, आज वो अधर में डल रही है सिर्फ कुछ लोगों की बदौलत। तो आज वो महासचिव या जनरल सेक्रेटरी जवाब दें कि भाई ये सब समस्याएं क्यों आई हैं, क्योंकि 3 महीने में कोई काम नहीं करने देना, अनाप शनाप बातों को मीडिया में लेकर आना और सोसाइटी को बदनाम करना, ये किसी भी चुने हुए पद के लोगों को शोभा नहीं देता, खास करके वैसे महासचिव जो कि एक महत्वपूर्ण पद रखते हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि सोसाइटी के किसी भी बात को लेकर सोसाइटी के फोरम पर रखें, न कि पब्लिक डोमेन में रखें, और आप सोसाइटी के नियम और कानून की तरह चलें। महासचिव अगर आप हैं तो आपको अपनी गरिमा को बना करके काम करने की ज़रूरत है और जहाँ भी कोई डिस्प्यूट है आपस में उसको समझाएं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।